मासूम बच्चों का बाप एचआर ऑफिसर गोलियों से छलनी। यहाँ पर बाइक पर उनका पीछा किया गया और इस जगह पर आके यहाँ पर उनके ऊपर तकरीबन 5 गोलियां चलाई गईं। फैक्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट में जॉब, जिंदगी अजाब। तुम अपना काम से काम रखो, हमें नहीं सिखाओ हमें क्या करना। ज्यादा अगर उछलबाजी करोगे तो तुम्हें देख लेंगे। वर्कर हुए गजबनाक, लैंड माफिया ने उतारा मौत के घाट, या किसी अपने ने किया आवाज। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, आकर वीडियो बनाते हैं और हमें डरा धमका कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके कोरंगी में, और यहाँ पर हम जिस गली में खड़े हैं, इस गली में मुकीम थे मोहम्मद अली। वो मोहम्मद अली जो कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते थे जिसमें बहुत सारे लोगों की दुश्मनियाँ हो सकती थीं। आज मोहम्मद अली दुनिया में नहीं रहे, उन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। आप सोच रहे होंगे उनकी नेचर ऑफ जॉब क्या थी, क्या वो पुलिस में थे, क्या वो लॉयर थे, या कोई ऐसा काम करते थे जिससे दुश्मन बन सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा जो कि हर इदारे में होता है, और वो है एचआर का डिपार्टमेंट। यानी वो डिपार्टमेंट जो कि लोगों को हायर करता है, किसी भी आप इदारे में हो, फैक्ट्री में हो या किसी ऑफिस में हो, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को रखना है या निकालना है, इनकी जिम्मेदारी होती है। अब जब इनका ये मर्डर हुआ, शक ये था कि या तो उन्होंने किसी को अपने काम करते हुए, जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ पर किसी को फायर करवाया है या किसी को रखा है, और इस वजह से कोई ज़्यादा चपकलिश हुई है। तो दूसरी तरफ फैमिली का ये कहना है कि हमारे घर जो उनका यहीं पे सामने घर है, इसके ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था, तो वो लोग भी हो सकते हैं कि उन्होंने ये मर्डर किया हो, ये हीनियस क्राइम कमिट किया हो। अब हकीकत क्या है, मोहम्मद अली के साथ क्या हुआ, इसी बात की खोज लगाने हम यहाँ पर मोहम्मद अली के घर पहुँचे हैं। आइए आपको उन्हें घर लेकर चलते हैं और सारी हकीकत आपके सामने लेकर आते हैं। तो मेरे साथ मोहम्मद अली की फैमिली मौजूद है, उनके वालिद हैं दीदार साहब, उनके साथ उनकी वालदा मकसूदा बेगम हैं, उनके भाई अब्दुलरहमान हैं और बहनें आमना और सकीना मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि सारा ये मामला क्या है। मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा, अपने ख़ानदान और मासूम बच्चों के साथ खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजारते मोहम्मद अली पर जो कयामत टूटी है, उसने इस ख़ानदान को जीते जी मार दिया है। अमना, आपको कैसे इत्तला मिली कि ये सब कुछ हो गया, आप कहाँ थी? मैं अपने ससुराल की तरफ से शादी में गई हुई थी, वलीमा था, वहाँ पर थी मैं। मुझे जो है वो मेरी छोटी भाभी की कॉल आती है, उससे पहले कज़न्स वगैरह की कॉल आती है, जैसे मैंने बताया था कि आंटियाँ मिलाद खानी थी, तो मैं ये समझी बार बार कि हर किसी की कॉल आ रही हो, वो यही पूछ रहा है कि आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा मैं तो शादी में हूँ। अब मैं ये समझी कि शायद ये लोग मेरा वहाँ वेट कर रहे हैं कि मैं मिलाद में आऊँगी, इनको पता ना हो, तो ये बोल के ना बार बार फ़ोन काट दे रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा शादी में हूँ। कह रही अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर उसके बाद मेरी छोटी भाभी की कॉल मुझे आती है, कह रही आमना कहाँ पर हो। ये कौन कज़न्स पहले कॉल करें जी? कज़न को इल्म था कि आपके भाई के साथ ही हो गया जी, क्योंकि अम्मी वहाँ थी ना आंटी के घर पे, वहाँ पहले अच्छा मिलाद वहाँ पर हो रहा था, वहाँ पे पहले खबर पहुँची, वहाँ पहले खबर पहुँची, लेकिन आपको कोई नहीं बता रहा था? मुझे कोई नहीं बता रहा था। फिर छोटी भाभी की कॉल आई, आमना कहाँ पर हो। मैंने कहा सब मुझसे कॉल करके पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हो भाभी, क्या हुआ है आप मुझे ये बताएं। अब वो फ़ौरन से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, यहाँ से मैं रोना शुरू हुई, और मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे वालिद को कुछ हो गया है, क्योंकि आए दिन जो है बीमार ही रहते हैं, सांस वगैरह फूल जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब मैं भी वहाँ रोने लग गई। फिर मेरी सास ने मेरे मुझसे फ़ोन लेकर उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने मेरी सास को क्या बताया नहीं बताया। फिर मेरी सास कह रही नहीं अब्बू को कुछ नहीं हुआ, भाई से मोबाइल वगैरह छीन रहे थे तो गोली लग गई, ये उन्होंने बताया। उसके बाद मैं अपने देवर के साथ यहाँ आई, घर पर आई तो कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद बाद आंटी आई, नानी आई, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई को गोली लगी है, और मुझे फिर भी यही बताया जा रहा था कि भाई को हाथ पैरों में गोली लगी है, भाई सही है, अभी एम्बुलेंस में आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। जब बाद में पता चला, देखा तो भाई एक्सपायर हो चुके। सर हमें नहीं पता कि किसने किया है, आया कंपनी की तरफ से हुआ है या घर के मसले में हुआ है। मेरा बड़ा भाई हमारी जान था, हम सबको देखता था, मेरे बाप का बाजू था, मेरे अब्बू बीमार रहते हैं, हम सब बहन भाइयों की, माँ बाप की जिम्मेदारी उस भाई के ऊपर थी, वही हमें देखता था, समझाता था, करता था। हमें इंसाफ चाहिए, सबसे पहले हम अल्लाह को जानते हैं, उसके बाद हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं आप लोगों के थ्रू कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारे भाई के कातिल को ढूंढा जाए। हमारा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना कभी किसी से बदकलामी हुई है उनकी, ना कभी किसी से बदतमीजी की उन्होंने, ऐसे बिल्कुल नहीं थे मेरे भाई।
लेकिन क्यों किया है? हम इस क्यों का जवाब जानना चाहते हैं कि मेरे भाई को किस बिना पे ऐसी सजा दी गई है, क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया? किसने लिया इंतकाम? कौन कुछ अरसे से घर के बाहर आकर इस खानदान को कर रहा था परेशान? घर का तनाजा खूनी रूप धार गया या फैक्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट की मुलाजमत मोहम्मद अली की जिंदगी निगल गई? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने इन तनाजात का फायदा उठाया? यहाँ पर बाइक पर उनका पीछा किया गया और इस जगह पर आके यहाँ पर उनके ऊपर तकरीबन 5 गोलियाँ चलाई गई। केस की तफ्तीश का हर पहलू चौंका देने वाला है, ये अलमनाक वाकया रुला देने वाला है। मैं क्या बोलूं? मेरे भाई और मेरी शादी एक साथ हुई थी, क्या बोलूं? मेरे भाई मेरे क्या थे, मेरे हमारे लिए क्या क्या बोलूं? मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ, बस गवर्नमेंट से सिर्फ मेरी अपील है कि वो हमारी सुने, मेरे भाई के कातिलों को पकड़े। सिर्फ ये इंसाफ चाहिए हमें, सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। वैसे हार्ट पेशेंट है, मेरी अम्मी इतनी ज़ईफ हो गई है, उनका सहारा थे वो। बाप के बाद भाई बड़ा होता है, सबसे बड़ा भाई था, बाप के बाद वो आगे आते, वो सरपरस्त होते हमारे, वो हमारे सरों में हाथ रखते, वही हमें सब देखते हैं। हम सब बड़ा भाई नहीं है, किसके सहारे हमको करें? अब किसी से भी पूछ ले, महल्ले में पूछ ले, कहीं भी जाके पूछ ले, कभी हमने किसी से बदखलाकी करी हो? कभी हमारे बहन भाइयों ने या मेरे दो और भाई हैं, कभी उनसे कोई किसी से बदकलामी हुई? ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी से भी पूछ ले, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत ऐसी की ही नहीं है, तो किससे हम तवक्को करें? किससे, किसके ऊपर हम शक करें कि कौन कर सकता है? हमारे जहनो गुमान ही में नहीं है कि ऐसा हमारे साथ कभी होगा। बाज़ औक़ात इख्तियारात भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, तो क्या एचआर ऑफिसर की जॉब कर गई मुश्किलात से दो चार, या फिर घर की जमीन का तनाजा जान ले गया, या फिर अपनों ने बिछाया साजिशों का जाल? टीम इंकशाफ ने खोज लगाई तो हैरान कुन बातें सामने आई। आप लोग इस घर में कब से मुकीम है? क्योंकि इस घर की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों के जहन में एक घर के तनाज़े की वजह से शायद ये सब कुछ हुआ होगा। इस घर में मैं 2004 में ये प्लाट मैंने ख़रीदा है, ठीक हो गया, तो 2005 में मैंने इसको थोड़ा सा सामने के गली के तरफ से मैंने दो कमरे बनवाए और 2005 में से ही मेरी रिहाइश है। तनाज़ा कब शुरू हुआ इस घर को लेकर? ये तनाज़ा शुरू हुआ है 2019 में एक शख्स आता है, कहता है ये प्लाट मैंने ख़रीद लिया। तो मैंने कहा भाई आपने किसे ख़रीद लिया, प्लाट तो मेरे नाम पर है। हाँ। बोले आपका नाम जो है ना उधर नहीं है, सिविक सेंटर में नहीं है। तो मैं क्या करूं भाई, मेरा नाम नहीं है तो? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। मैंने तो फाइल बना दिया और केडी वालों ने मेरे नाम पर कर दिया, लीज मेरे नाम पर कर दिया, अब वो है ही या नहीं है मुझे क्या पता। तमाम तर जमा पूंजी से घर बनाया गया, लेकिन अफसोस तकरीबन 15 बरस बाद नामालूम अफराद की तरफ से घर खाली करने और धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में ये मजलूम खानदान मरता क्या ना करता? केडीए मेरे पास एक नोटिस भेजता है, ठीक है, अगर आपके पास जो पेपर बने हुए हैं, जो हाँ। पेपर है आपके पास, आप मुझे मेरे पास आए, मेरे को दिखाए। हाँ। तो मैं केडीए में भी गया हूँ। अच्छा, तो उन्होंने देखा तो फिर क्या कहा? उन्होंने कहा भाई हम वेरीफाई करा के ना आपको जवाब दे देंगे। सही है, उन्होंने वेरीफाई करवाया नहीं करवाया हमें नहीं पता। तो ये आप कब गए थे उनके पास? ये तकरीबन 3-4 महीना हो गया। 2019 में आपको धमकी आती है और अब आप 2021 में गए। सबसे पहले हमें कोर्ट से नोटिस आता है। अच्छा, कोर्ट से नोटिस, ये धमकी के बाद की बात है? हाँ, पहले कुछ 2019 में पहला आदमी आता है जो धमकी देता है कि भाई ये जो घर है, जो घर है ये हमारा है, हमारे नाम पर है, हमने इसे खरीद लिया इस तरह से। उसके बाद जो है वो हमें कोर्ट से नोटिस आता है कि मुनाफ जमील लोधी जो है उन्होंने ये प्लॉट जो है वो परचेज कर लिया है इस तरह से। तो फिर हमने वहाँ कोर्ट पे अपना जवाब सबमिट करवाया, जो उन्होंने केस दायर किया उसमें हमने अपना जवाब जो है वहाँ से सबमिट करवाया। अब वो कोर्ट केस जो है वो कोर्ट पर दायर है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई यहाँ आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, आकर वीडियो बनाते हैं और हमें डरा धमका कर जाते हैं कि ये प्लॉट हमने खरीदा। जब आपने कोर्ट में वो पेपर्स वगैरह जमा करवाए, फिर उसके बाद जी लॉयर किया आपने कहा भाई हम इधर इतने अरसे से मुकीम है, ये हमारे पेपर हैं सब। हाँ, वो सब कुछ हमने करवा दिया, डॉक्यूमेंटेशन जो भी थी कोर्ट की वो सारी हमने सबमिट करवा दी वहाँ पर। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जो है जो तारीख कोर्ट की मिल रही है वो वहाँ से नहीं जा रहे कोर्ट पर,
वो कोर्ट की तारीख में पेश नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जिस पार्टी ने आपको अक्यूज किया है कि उनका प्लॉट है, वो पेश ही नहीं होते, पेश नहीं हो रही वो डेट पे, लेकिन वो घर पे जरूर आ रही है। तो वो अपने हुलिये से और उससे कैसे लोग लगते हैं? क्या वो कोई बदमाश टाइप लगते हैं, कोई माफिया है, क्या आपको लगता है, क्या फील होता है? ऐसे लगते हैं जैसे गवर्नमेंट अफसर होते हैं, इस तरह से वो दिखाते भी इसी तरह से हैं। हमें गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी हुई होती है वो भी सरकारी तौर पे लगी हुई होती है, और जो वो कार्ड दिखाते हैं वो भी किसी पार्टी वगैरह के ही कार्ड होते हैं जो हमें दिखाते हैं। समटाइम तो हमने वीडियो भी बनाई है। इस परेशान हाल खानदान ने वो वीडियोस भी दिखाई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी इस घर के बाहर आकर रुकती है। पहले एक लड़का बाहर आता है, ताहम जब उसे ये अंदाजा होता है कि मोबाइल से उसकी वीडियो बनाई जा रही है तो वो कदरे घबरा जाता है और अपना तारुफ करवाने से भी गुरेज करता है। आप किस सिलसिले में आए? इस लड़के को मुश्किल में देख कर फिर एक और शख्स गाड़ी से उतरता है और इस घर की जानिब आता है। जी पीछे है। नहीं, मोबाइल पीछे ही, आप बोले क्या बात करनी है? बाबा जी के साथ मिले, मोबाइल हटाया मेरा। मेरा राइट है ये, मेरा राइट है ये, मेरा राइट है ये, आप बात करें ना। जी जी, साहब बैठे हुए, आप बात करें। किस सिलसिले में आया साहब? बाबा जी से मिलने था। तो नहीं, आप बोले ना वो घर पे नहीं है, घर पे कोई और आदमी है? नहीं, हम ही है। अभी तो हटाया भाई मोबाइल, आप मोबाइल हटा, मोबाइल हटाया भाई, आप बात करें। किस सिलसिले में आए, क्या बात आए थे? उसके बाद आए नहीं, आपने बोल के गए थे। चाचा जी नहीं थे, चाचा जी ऑर्डर नहीं कर रहे, चाचा जी हमारे आ गए, हम आ गए इधर। हां, बाबा जी से मिलने के लिए। बाबा जी वो नहीं है ना, मिलो। नहीं है ना, मोबाइल हटाया प्लीज, बता रहा हूं ना इस गाड़ी का। तो आप अभी किस सिलसिले में आए मुझे बताएं, मैं उनके घरवाली हूँ, जो भी मसला मैं बता दूंगी। कोई आदमी है तो आप देखिए। नहीं है ना कोई भी घर पे, अभी इस वक्त तो काम पे गया है सारे। नंबर है बाबा जी का? हैं, नंबर है? नहीं, सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि ये लोग जब भी इस घर का रुख करते हैं तो घर की खवातीन मोबाइल कैमरा ऑन रखती हैं ताकि जो भी बात हो रिकॉर्ड किया जा सके। क्योंकि हमारे जो लॉयर, उन्होंने कहा था कोई भी आए आप वीडियो बनाकर रख लें अपने पास। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो पहले से सबमिट हैं। आप उनको बोलें कि भाई अगर कोई भी मसला है तो आप कोर्ट से जाकर बात करें। यानी जो मोहम्मद अली थे, जिनके केस की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी था कि असल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से मोहम्मद अली की जान गई। एक तो हमने आपको शुरू में बताया कि वो एक फैक्ट्री में, एक डिपार्टमेंट में काम करते थे जो केचा का डिपार्टमेंट था, वहाँ से किसी की दुश्मनी हुई उनसे, या फिर मकान के तनाज़े को लेकर कोई दुश्मनी बनी, क्योंकि इसी का हमने आज खोज लगाना। अब ये बता रही हैं कि जो इस पूरे केस को परसू कर रहे थे, जो कि घर का तनाज़ा था और जो भी मामला थे, उनको सुपरवाइज मोहम्मद अली ही कर रहे थे और वही कोर्ट जाते थे, वही लॉयर के पास जाते थे। तो क्या इन्हीं दुश्मनों ने मोहम्मद अली को रास्ते से हटा दिया, या फिर फैक्ट्री का कोई वर्कर हुआ गजबनाक? तफ्तीश के हर पहलू को जरा गौर से सुनिएगा। अब्दुलमान, क्या करते हो आप? क्वालिटी ऑडिटर। अच्छा, आप एक फैक्ट्री में क्वालिटी ऑडिटर हैं, आपके भाई भी वहीं पे काम करते थे? भाई वहीं पर एचआर डिपार्टमेंट होते थे। एचआर डिपार्टमेंट में होते थे। अब एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसमें जो लोगों की हायरिंग होती है, लोगों को तैनात करना या उनको जॉब पे रखना, वो उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और अगर किसी को कंपनी से निकालना भी है या कोई सही तरह कोई डिसिप्लिन नहीं है, इंसान ये सही तरह काम नहीं कर रहा, तो उसको फायर करने की जिम्मेदारी भी एचआर डिपार्टमेंट की ही होती है। तो उस डिपार्टमेंट में ये थे। तो अब कैसा रवैया था मोहम्मद अली का वहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिहाज से, क्या था? कभी उन्होंने आपसे कोई बात की? क्योंकि हमने इस वक्त जो हमारा मकसद है कि मोहम्मद अली के जो जिन्होंने जान ली है उनका खोज लगाया जा सके, कौन है, क्या वो आया इस मकान के तनाज़े को लेकर कुछ लोग पीछे हैं, या वो उधर से कोई इंसान है जिसने कोई दिल में ऐसी रंजिश रख ली उनके हवाले से और बाद में जान ले ली। हमारे सवाल पर मोहम्मद अली के भाई ने किया एक चौंका देने वाला इंकशाफ के पिछले कुछ अरसे से फैक्ट्री के अंदर गरीब वर्कर की जगह कुछ बदमाशों ने डेरा जमा लिया था। एक दो दफ़ा उन्होंने घर में आके तो ये कहा था यार मैं यहाँ से काम छोड़ दूँगा। अच्छा, क्या वजह थी? वजह तो उन्होंने नहीं बताई, यही बताया था कि इधर जो है ना काफ़ी जैसे क्रिमिनल लोग जो है आ गए हैं इस कंपनी में, धमकियाँ देते हैं, बाहर जो है कंपनी से बाहर निकलते ही वो बड़े बड़े अफसर जो है उन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। मारते हैं जी। अब ये कराची के जो डायनेमिक समझते हैं लोग, या पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा,
कि कराची में तकरीबन 30 साल तक कलदम तंजीमों का राज रहा, और जब 2016 और 17 में यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद वो कलदम तंजीमें ख़त्म हो गई यहाँ से, और डिफरेंट किस्म के सेक्टर्स बने हुए होते थे, भत्ताखोरी होते थे, तो वो सारे इस तरह की चीज़ें जब ख़त्म हुई तो अब उस तरह के अफराद जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे और इन तंजीमों से वाबस्ता थे और गुंडागर्दी करते थे, उन्होंने फिर इधर उधर काम ढूंढना शुरू किया। अब ये बता रहे हैं कि जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे अफराद काम करने लग गए थे, क्योंकि जब उनकी बदमाशी का दौर ख़त्म हुआ तो उन्हें अब ज़ाहिर बात है कहीं से पैसा कमाना है, लेकिन बदमाशी तो खून में रची बसी है, उन्होंने वो काम भी अपना करना है। तो वो फिर इदारे में वो लोग जो उनको डिसिप्लिन रहने की तलकीन करते थे कि भाई ज़ाहिर बात है एचआर का काम यही है कि जो भी काम वर्कर है वो अपने टाइम पर आए, टाइम पर जाए, छुट्टी कर रहा है तो उसकी तनख्वाह कटेगी, और इस तरह के सारे मामलों को देखना, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको निकाला जा सकता है, तो ये सब चीज़ें एचआर का डिपार्टमेंट देखता है, और वो एचआर के डिपार्टमेंट में ही मोहम्मद अली काम करते थे। तो क्या एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले मोहम्मद अली को कुछ बदमाश वर्कर्स की तरफ से धमकियां भी मिली थीं? वर्कर हुए गजबनाक, लैंड माफिया ने उतारा मौत के घाट या किसी अपने ने किया वार? इतला मिली है एम्बुलेंस को कि यहां पर किसी के ऊपर गोलियां मारी गई हैं। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। दो मासूम बच्चों का बाप एचआर ऑफिसर गोलियों से छलनी। यहाँ पर बाइक पर उनका पीछा किया गया और इस जगह पर आके यहाँ पर उनके ऊपर तकरीबन 5 गोलियां चलाई गईं। फैक्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट में जॉब, जिंदगी अजाब। तुम अपना काम से काम रखो, हमें नहीं सिखाओ हमें क्या करना, ज्यादा अगर उछलबाजी करोगे तो तुम्हें देख लेंगे। वर्कर हुए गजबनाक, लैंड माफिया ने उतारा मौत के घाट या किसी अपने ने किया वार? बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, आकर वीडियो बनाते हैं और हमें डरा धमका कर जाते हैं। ऐसा आता था, दुआ सलाम करता था, घर के मसले मसाइल पूछता था, मतलब अपना कोई बात मुझे नहीं बताता था कि मेरी माँ परेशान होगी, बहुत ख्याल रखता था मेरा बेटा, मेरा दूर रहता था मगर मेरा बहुत करीब था, तो कभी नहीं जिक्र करा मेरे साथ, न अपने घर की, न बाहर की, न उधर की, बस अपने भाई बहनों को पूछता था मैं ये क्या कर रहा है, ये कैसा है, सब ठीक है, नब्बा को पूछता था, दवाई ख़त्म हो गई, बस इस तरह का मेरे से बात होती थी और किसी मसले में। जी हाँ, मोहम्मद अली बाहर की परेशानियों का तस्करा वालिदैन से नहीं करता था, तहम उसने फैक्ट्री में मिलने वाली धमकियों के बारे में अपने भाई से तस्करा ज़रूर किया था। तो क्या किसी ने उनको मारा पीटा भी था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ उनको धमकाया था। धमकाया था, और क्या धमकी दी थी? ये तुम अपना काम से काम रखो, हमें नहीं सिखाओ हमें क्या करना, ज़्यादा अगर उछलबाजी करोगे तो तुम्हें देख लेंगे हम। उसके बाद आपने कहा दूसरी दफ़ा भी तस्करा किया उन्होंने? इसके अलावा वो भाई इस वजह से भी कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे कई मैनेजर्स वगैरह को जो है वो बाहर जो है मार पीट चुके थे वो, तो वो इस बात से खौफजदा थे कि कल को मेरी बारी भी आ सकती है, मुझे वर्बली तो धमका दिया गया है लेकिन मुझे अब हाथ भी उठ सकता है, तो इस बात से वो खौफजदा थे। तो फिर क्या होता है? जो उनके मैनेजर थे उनको उन्होंने बताया तो बोलने यार तू छोड़ इन लोग, उनको उनके हाल पे छोड़ दे, तू इन लोग बोल नहीं कुछ। आपको ख़ुद क्या लगता है कि जो आपके भाई के साथ हुआ तो उसमें ये जो आपके इस मकान का तनाज़ा था इसको लेके मामलात थे या वो फैक्ट्री में जो कुछ हो रहा था उसको लेके? सर एक यही शक जा रहा था एक कंपनी की तरफ से इस हवाले से, इस वजह से, दूसरा ये प्लाट की वजह से, यही दो चीज़ें पैर में। दोनों अतराफ से दबाव बढ़ रहा था लेकिन वालिदैन और बहन भाइयों को अंदाज़ा ना था कि बात मोहम्मद अली की जान लेने तक जा पहुंचेगी। ये वो जगह है जहां पर मोहम्मद अली को इंतहाई बेदर्दी के साथ गोलियों का निशाना बनाया गया। कैसे मोहम्मद अली को गोलियों से छलनी किया गया, जाए वकूआ के ये मनाजिर जब हम आपको पूरी तफसील से दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कातिल कोई निशान छोड़े बगैर कैसे इतनी आसानी के साथ फरार हुए। आमना, आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई थी भाई से? मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, घर में दावत थी, दोनों भाभियाँ जो हैं वो हमारी अपनी मई के जा रही थी,
तो उस सिलसिले में दावत थी जो दो छोटी भाभी हैं। अच्छा, तो आखिरी मुलाकात हमारी उसी दिन घर पे हुई थी। भाई भाभी बच्चे सब आए हुए थे। तो उस दिन कोई उनके चेहरे से कोई ऐसी परेशानी नजर आ रही थी कि किसी बात से परेशान? भाई के चेहरे से परेशानी नजर आ रही थी हमें। कुछ दिनों से भाई जो है वो बहुत खामोश थे। तो किसी ने घर में से पूछा उनसे कि भाई क्या वजह हुई है? नहीं, मैंने कहा हम भाई से डरते थे तो हमने ऐसे मतलब ज्यादा उसको नहीं लिया कि हो सकता है। भाभी से पूछ लेती कि भाई ये भाई क्यों चुप चुप? भाभी गई थी भाई से, भाई के इंतकाल से एक दिन पहले हमारी आंटी क्या गई थी तो उस दिन भी भाई खामोश थे। तो आंटी ने भाभी से पूछा था कि क्या हुआ मेरा बच्चा इतना खामोश खामोश की है। तो भाभी ने कहा कि आंटी कुछ दिनों से नहीं खामोश ही। कौन जानता था इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा है, एक ऐसा तूफान जो इस घर की खुशियां बर्बाद कर देगा। इत्तला मिली है एम्बुलेंस को कि यहां पर किसी के ऊपर गोलियां मारी गई हैं। कौन लगाए हुए था घात, कैसे टूटी ये कयामत, कैसे वुरसा तक पहुंची ये दर्दनाक खबर। 9 अक्टूबर को क्या होता है? 9 अक्टूबर को जहां तक मैंने सुना, क्योंकि मैं तो ससुराल में थी। इधर कौन था? आखिरी 9 अक्टूबर को उनकी मुलाकात? 9 अक्टूबर को घर में कोई भी नहीं था। अच्छा, हमारे आंटी के घर में दावत थी, मिलाद खानी थी, तो अम्मी अब्बू वहाँ गए हुए थे, भाई भी वहीं था और बड़े भाई जो हैं वो जॉब पर थे। मेरी बाजी जो है वो लांडी में ही रहती हैं, भाई लांडी में ही जॉब करते हैं, तो वो इलाका जो है ना हमारा वो पुराना है, पहले हम वहीं रहते थे। तो बाजी मेरी वहाँ रहती हैं, तो भाई वहाँ गए नमाज पढ़ने मगरिब की। इस छोटे भाई से मुलाकात हुई, ये कंपनी से घर नहीं आया था, 5 बजे इसका ऑफ हो जाता है। तो भाई ने से पूछा तुम घर नहीं गए अभी तक? तो बोल रहे हैं भाई बस जा रहा हूँ थोड़ा काम है। यानी आखिरी दिन कंपनी गए थे वो? हाँ। अब्दुल रहमान, क्या भाई ने क्या कहा आपको उस दिन? उस दिन भाई मुझसे मिले, बोलने तुम घर नहीं गए अभी तक? मैंने बोला भाई मुझे थोड़ा सा काम है, इस वजह से रुका हूँ मैं यहाँ पे, अभी चला जाऊँ। फिर कह रहे अच्छा चलो अजान हो रही है नमाज पढ़ने आ जाओ। मैंने बोला आप चले मैं आता हूँ। वो तो चले गए थे, मैं नहीं गया साथ, मैं वहीं रुक गया था दोस्त के पास। फिर थोड़ी देर बाद जो है भाई कॉल आई आधे पौने घंटे बाद कि ऐसे ऐसे जो है भाई को किसी ने गोली। कॉल किसको आई? मुझे भी कॉल आई, जहांगीर भाई है जो HR मैनेजर उनके पास कॉल आई कि मोहम्मद अली को गोली लगी। मैं गया उधर, मैंने बोला उस तरफ जाके देखता हूँ मस्जिद की तरफ, नमाज पढ़ने गए थे उधर। अच्छा, आपके जहन में ही था कि नमाज पढ़ने गए हैं और हाँ, आपको उस वक्त इत्तला मिली कि उनको किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी। मैं उस तरफ गया, वहाँ पे भी मेरे को सब यही कह रहे हैं यार तूने सुना नहीं। मैंने बोला सुना है लेकिन मैं फ़ोन कर रहा हूँ, भाई के नंबर पर फ़ोन ही नहीं लग रहा। मोहम्मद अली भाई की कॉल कैसे अटेंड करता, वो कैसे बताता कि किसी जल्लाद ने उसे खून के रंग में रंग दिया है। यहाँ पर बाइक पर उनका पीछा किया गया और इस जगह पर आके यहाँ पर उनके ऊपर तकरीबन 5 गोलियां चलाई गईं। मोहम्मद अली के भाई को इस खूनी वारदात की खबर मिली तो वो रोता तड़पता जिना अस्पताल जा पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि मोहम्मद अली जख्मी होगा। लेकिन अस्पताल पहुंचकर कैसे भाई पर हुआ दर्दनाक इंकशाफ, कैसे मोहम्मद अली को किया गया हलाक, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और कोई मोबाइल वगैरह स्नैच कर लिया था उनका, क्या किया था? कुछ भी नहीं लेके गए, यानी कि जो आदमी था जो भी कातिल था वो कोई स्नैचर नहीं था, क्योंकि कराची में स्नैचिंग की भी आम वारदातें होती हैं और उसमें नॉर्मली पुलिस भी कहती है भी स्नैचर होगा चला गया, एक बिल्कुल अंधा कतल बना देते हैं उसको। इस मामले में उस इंसान ने मेक श्योर किया कि जान जाए, तो इसका मतलब ये था कि वो कत्ल करने के इरादे से ही आया था, उसका जहन में यही था कि मैंने कत्ल ही करना है, मैंने जान ही लेनी है मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली जो उस वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपने घर जा रहे थे उस वक्त? जी, अपने घर जा रहे थे। और उस इंसान, क्योंकि ये उनका नॉर्मल रूट नहीं होता होगा, यही रूट है उनके घर का, यही रूट। तो वहाँ पर जहाँ वो अपनी बहन के घर गए थे उससे कितना आगे घर था वो, उससे कितना आगे जाए वकूआ है जहाँ पर ये हुआ है? ये तो बहुत आगे, लांडी जमानाबाद में घर है बहन का, उससे आगे थोड़ी सी कंपनी है, और जो वाकया हुआ है वो इलियास घोट पे नेवी की जो दीवार है उस तरफ जाकर। तो इसका मतलब ये था कि फिर तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कोई फैक्ट्री से भी कोई पीछा कर सकता है और कोई पहले हाँ, से जिसे रैकी की हो वहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ था। अब बाइक की खोज में टीम इंकशाफ जाए वकूआ पर पहुंची तो कई भयानक सच्चाइयां हमारी मुंतजर थी। इस वक्त मैं जाए वकूआ पर मौजूद हूं और ये बड़ी चलती हुई रोड है, इस तरफ लांडी 4 नंबर से ये गली आती है, ये सड़क आती है, बल्कि मेन रोड है,
और इस तरफ ये इलियास गोट की तरफ जाती है और मोहम्मद अली डेली इसी रास्ते से गुजरकर अपने घर जाया करते थे। शुरू में जो हम सवाल उठा रहे थे कि वो बीच में अपनी बहन के घर भी गए थे, लेकिन उनकी बहन का घर जो है रास्ते में आता था, उनका जो पुराना इलाका है वो रास्ते में आता था और वहाँ से वो रोज़ गुजरते थे। अगर ये होता कि वो वहाँ से गुजरते हुए रास्ता तब्दील किया होता तो इसका मतलब ये था कि फैक्ट्री से कोई पीछा करते हुए आ रहा था और उसने इस जगह पर मारा, लेकिन जबकि जैसे कि फैमिली से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो रोज़ इसी जगह से गुजरते थे, तो इस जगह पर कोई ताक लगा के बैठा हुआ था, कोई ऐसा फ़र्द था जिसने उसकी रैकी की थी, क्योंकि उस रात जो हुआ तकरीबन यही टाइम होगा मगरिब और इशा के दरमियान का, वो यहाँ से गुजर रहे थे, अपनी फैमिली की तरफ जा रहे थे, करीब ही उनका घर है, तो यहाँ पर बाइक पर उनका पीछा किया गया और इस जगह पर आके यहाँ पर उनके ऊपर तकरीबन 5 गोलियाँ चलाई गईं। और ये मामला जो है ये कोई स्नैचिंग का नहीं था, उनसे कोई भी चीज़ नहीं छीनी गई, क्योंकि जब यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया गया, जब एम्बुलेंस वाले ने यहाँ से उनको उठाया और उनको जिना अस्पताल की तरफ यहाँ से ले जाना शुरू हुआ, तो उसने फ़ोन पर उन्हीं के फ़ोन से उनके भाई को फ़ोन किया, बल्कि दोस्त को फ़ोन किया जहांगीर को, और कहा कि ये जो है यहाँ पर इस तरह से इस हालत में हमें मिले, और हमें इत्तला मिली है एम्बुलेंस को कि यहाँ पर किसी के ऊपर गोलियां मारी गई हैं, और क्योंकि स्नैचिंग नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं ली गई, तो जो भी इंसान आया था वो कत्ल के इरादे से ही आया था। और ये जहां आप ये पत्थर देख रहे हैं, यहां पर आपको भी ब्लड के स्टेन्स भी नज़र आ रहे होंगे, इस जगह पर पुलिस ने इस पत्थर को भी रख दिया और ये निशानी लगा दी कि ये वो जगह है जहाँ पर मोहम्मद अली को इंतहाई बेदर्दी के साथ गोलियों का निशाना बनाया गया और यहीं से रेस्क्यू किया गया। अब बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप इधर कैमरा घुमाएं तो ये बहुत चलती हुई सड़क है, यहाँ बहुत सारे अफराद गुजर रहे होते हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि जब ये किसी इंसान ने ये सब कुछ किया होगा तो यहाँ पर कोई ना मौजूद हो, क्योंकि ये भी जैसे कि जब फैमिली से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये अपील भी की फैमिली ने कि भाई अगर कोई उस वक्त यहाँ से गुजर रहा था और या गुजर वकूए के कुछ देर के बाद ही किसी ने यहाँ पर देखा तो हो सकता है कोई वीडियो बनाई हो, वो कोई आइडेंटिफाई कर सके कि भाई वो किस तरह की बाइक पे था, कोई बाइक का नंबर नोट कर लिया हो, तो ऐसा कोई फर्द भी अगर ये प्रोग्राम देखे तो प्लीज़ पुलिस से ज़रूर रब्ता करें। दीदार साहब वो यहाँ पर, दीदार साहब इधर आइएगा, आप पहले भी यहाँ पर आए, पुलिस ने क्या बताया था आपको कि वो लोग गाड़ी में आए थे पीछे से या बाइक के ऊपर पीछा कर रहा था कोई भी जो भी इंसान था? मुझे ये कहा गया है कि भाई वो मोहम्मद अली जिस वक्त आ रहे थे कंपनी से तो कोई पीछा करते हुए उनको आ रहा था, और दो मोटरसाइकिल पे था, वो दो मोटरसाइकिल में थे, दो मोटरसाइकिल थे, उसमें कितने लोग थे ये नहीं बताया मेरे को, दो थे या चार थे। बहरहाल पुलिस ने मुझे यही निशानदेही करवाई है कि भाई यहाँ पर ही मोहम्मद अली को मारा गया था, और एक टांग जो है ना उसकी गाड़ी के नीचे थी और एक टांग ऊपर थी, बाइक भी यहीं पे गिरी, बाइक भी यहीं गिरा हुआ था, कोई बाइक भी लेके नहीं गया, कोई स्नैचिंग नहीं लेके गया, ना उससे मोबाइल छीने गई, ना उससे पैसे लिए गए, कुछ भी नहीं, उसको मार के चला गया। अभी वो कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे मुझे नहीं पता, ना पुलिस को पता है। आप किसी ने भी देखा हुआ हो यहाँ पर वाकया होते हुए, किसी ने देखा है, किसी ने पिक्चर लिया हो, मूवी बनाया हो, वो शेयर कर सकता है। कातिल कैफरे किरदार तक पहुंच सकते हैं अगर ठोस बुनियादों पर तहकीक की जाए। जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो देखते ही देखते लोगों का रश लग गया। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि जिस वक्त गोलियां चलाई गईं उस वक्त ये मंजर किसी ने नहीं देखा होगा? क्या वाकई किसी ने कातिल को नहीं देखा, या फिर डर के मारे ऐनी शाहिदीन ने खामोशी इख्तियार कर ली? क्या किसी ने फायरिंग करते शख्स की मोबाइल से वीडियो बनाई? मकतूल की मां की फरियाद ने कैसे सबको रुला दिया? कौन थे कातिल? फैक्ट्री वर्कर, लैंड माफिया के कारिंदे, या फिर करीबी रिश्तेदार? पुलिस तफ्तीश में हुआ, आखिर कौन सा हौलनाक इंकशाफ? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कैमरा घुमाए, लोग दिखाए ना कितने लोग आ गए इस वक्त यहाँ पर, हम 5 मिनट के लिए खड़े हुए हैं। मीडिया वाले आए हमारे पास पूछताछ करने के लिए बेचारे, तो अब मैं लेके आई हूँ उस जगह पे, ये देखें कितने लोग जमा हो गया। तो मेरे बेटे को कोई मार के फेंक के चला गया, यहाँ से वैसे ही रोड चल रहे थे ना, तो कोई अल्लाह का बंदा, कोई नेक बंदा अगर किसी ने देखा हो, आप लोग से हाथ जोड़ के मैं बोलती मुझे बता दें, मैं आप लोग के नाम नहीं आगे लाऊंगी, मेरे घर का पता सब कुछ आप लोग दे देना, वहाँ मुझे आके आप लोग कॉन्टेक्ट करें, या ये मीडिया वाले से कांटेक्ट करें और मुझे लिहाजा बता दे, मेरे मेहरबानी करें, बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरे लिए आप लोग ने कुछ करा तो, कि आज मेरा बेटा मर गया, कल किसी और का बेटा ना मरे, ऐसा
कितने माँ के लाने से गुजर जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता क्यों ऐसे क्यों है, क्या ये असला कहाँ से मिलते हैं इन लोगों को, ये कोई घर में तो नहीं बनाते, ये बेचने वाला कौन है उनको पकड़े ताकि ये आम बाजारों में बिके नहीं और पकड़ पकड़ के बंद किसी के माँ के लाल को नहीं मारे। बस इतना ही मेरे को कहना है भाई और कुछ नहीं कह सकते, मुझे तो बस क्या बोलूं नहीं बोलूं मेरा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या करूं नहीं करूं, मेरा तो घर का माहौल ही खराब कर दिया, पूरा निजाम खराब कर दिया, क्यों नहीं मारा मेरे बेटे को, मैं सिर्फ इसका वजह जानना चाहती हूँ क्यों मारा मेरा बेटा का, मुझे चाहिए इंसाफ बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यकीनी तौर पर जाने वाले लौट कर नहीं आते, लेकिन जुल्म ढाने वाले अगर अपने अंजाम को पहुंचेंगे तो फिर ही तड़पते वुरसा को किसी हद तक करार जरूर मिलेगा। मगर क्या कर रही है पुलिस, अभी किस बात का है इंतजार? अब जो एक बहुत अहम बात है कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है इस सारे मामले में, पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, तो इस वक्त जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और रजा से जानते हैं कि रजा अभी तक मुझे आप ये प्लीज़ बताइए कि पुलिस ने इस मामले में क्या पेशरफ की है, कोई तफ्तीश आगे बढ़ी है, कोई उनको आइडिया हुआ है कि ये कातिल जो था ये कंपनी से ताल्लुक़ रखता था या जो घर का तनाज़ा था उसको लेके जो है कुछ अफराद इससे मुलव्वस हैं? केस के तफ्तीशी अफसर सुलेमान अब्बासी से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस केस में मोहम्मद अली के केस में काफ़ी हद तक पेशरफ़ सामने आई है और उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक जो शवाहिद हैं उन्होंने हासिल कर लिए हैं, कुछ शवाहिद जो है उनके इलाके जो इब्राहिम हैदरी इलियास गोट में जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं वहाँ से जो है कुछ शवाहिद मिले हैं उनको, और उसके अलावा उनका ये कहना है कि फैक्ट्री में भी उन्होंने विजिट किए हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं उनको, और केस में उनका ये कहना था कि जो मुलजिम है असल मुलजिम वो उसका मालूम हो गया है और कुछ ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी, और इसके अलावा उनका ये कहना था कि मुलजिम के हवाले से उन्होंने नाम नहीं बताया, उनका ये कहना है कि अगर मुलजिम की शनाख्त सामने आ जाएगी तो मुलजिम होशियार हो जाएगा और वो फरार हो सकता है, और उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक वो मुलजिम के करीब पहुँच गए हैं और जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि ये बहुत चलती हुई रोड है तो यहाँ पर पीछे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश की, कोई जियो फेंसिंग की, कोई कॉल रिकॉर्ड निकाला कि आखिरी कॉल्स किसकी आई हुई हैं मोहम्मद अली को, जिससे कोई आइडिया हो सके? उनका यही कहना था कि इस वाक़े की इब्तदाई तौर पर तो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जो मालूम की है वो सीसीटीवी फुटेज जो है हासिल नहीं हो सकी है, कुछ कैमरे ख़राब थे, और इसके अलावा जो सीडीआर के हवाले से उनका ये कहना था कि कॉल डेटा भी निकाला गया है, उससे भी काफ़ी जो है चीज़ें टेक्निकल बुनियाद पर भी जो है सामने आई हैं, कुछ उनको टेक्निकल बुनियाद पर भी जो है कुछ शवाहिद मिले हैं, उसी बिना पर जो है मुलजिम तक वो पहुंच चुके हैं। तो क्या पुलिस ने रिवील किया है उसका नाम, या पुलिस कुछ बताने पर राज़ी हुई है इस हवाले से जो तफ्तीशी अफसर हैं या जो बाकी पुलिस के हुकाम हैं? मुलजिम के हवाले से उनका ये कहना है कि तमाम तर शवाहिद जो उनके इलियास गोट से मिले हैं, कुछ टेक्निकल बुनियाद पर उनको कुछ शवाहिद मिले हैं, सीडीआर से शवाहिद मिले हैं, उसी बिना पर ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और जल्द मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रजा हमें हालात से आगाह करने के लिए। पुलिस मुलजिम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इन तसल्लियों और दिलासों से तब तक इस खानदान को सुकून नहीं मिलने वाला जब तक इस खानदान पर कयामत बरपा करने वाले अपने अंजाम को नहीं पहुंचते। बस यही अपील है गवर्नमेंट से कि कोई हमारा साथ दे, आगे हमारी आवाज़ पहुंचाएं आप लोग ताकि हमें इंसाफ मिले। मकसूदा साहब आप क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? क्या अपील करूँगा, मेरा बेटा तो आएगा नहीं कुछ भी कर, बस उसके लिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेरा बेटा किस लिए मरा वो वजह मुझे चाहिए, क्यों मारा मेरे बेटे को, क्या खता थी उसकी जो उसको मारा है, मुझे बस ये चाहिए। गवर्नमेंट से मेरे यही दरख्वास्त है कि भाई जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए और मेरे को सामना कराया जाए कि मेरे बेटे को मारा तो क्यों मारा, क्या वजह थी, मोहम्मद अली को कत्ल करने की वजह क्या थी, पूरे खानदान की जुबान पर यही एक सवाल था और इस सवाल का जवाब मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकता था। इससे पहले कि हम प्रोग्राम ऑन एयर करते पुलिस ने मोहम्मद अली के कातिलों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। हैरान कुन तौर पर कातिल न फैक्ट्री वर्कर्स थे और न ही लैंड माफिया के कारिंदे, बल्कि ये जुल्म करीबी रिश्तेदारों ने ढाया। मोहम्मद अली के साथ इस तस्वीर में नजर आने वाला ये जमील नामी शख्स मोहम्मद
अली का करीबी रिश्तेदार है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इसी ने अपने साथियों लुकमान शाह और सज्जाद खान के साथ मिलकर मोहम्मद अली को गोलियों से छलनी किया। मुलजिमान के मुताबिक मोहम्मद अली ने कुछ कर्ज लिया था जो वापस नहीं कर रहा था। लेन देन के मामले पर झगड़ा हुआ जो संगीन हो गया। अगर वाकई मामला लेन देन का था तो उसे किसी और तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन जिस बर्बरियत का मुजाहरा मुलजिमान ने किया है उस पर उन्हें दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।